साथियों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम भी अच्छे हैं, थैंक यू। आपने पिछली बारी जब ट्रेनिंग यहाँ की थी तो कई विषयों के ऊपर आपने जानकारी ली, कई गतिविधियाँ सीखी, खेल द्वारा बहुत सारी आपको जानकारी मिली। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं उसका नाम है अपने आप को किस तरह से खतरे से सुरक्षित रखें। आप लोग जानते हैं युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे युवा और युवतियाँ दोनों ही बहुत सारे जोखिम भरे काम करना पसंद करते हैं, उन्हें मज़ा आता है, उन्हें रोमांच की अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ाना या बहुत ऊंचे पर्वत पर से जा कर के छलांग लगाना, रेल की पटरी पर चलना, बाइक पर स्टंट करना इत्यादि। इसमें उन्हें मज़ा भी आता है, रोमांच की अनुभूति भी होती है, लेकिन साथ साथ बहुत से खतरे भी होते हैं। युवाओं के साथ एक और व्यवहार है जो कि वो शुरू करते हैं आनंद पाने के लिए, कुछ मज़ा करने के लिए, लेकिन उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं और नुकसान होते हैं। और मैं जिस व्यवहार की बात कर रही हूँ वो है नशा। नशा चाहे सिगरेट का हो, शराब का हो या अन्य नशीले पदार्थों का हो जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं। इसी विषय को आगे समझने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि का नाम है मज़ा और सज़ा। इस गतिविधि में हम दो ग्रुप्स में बटेंगे, जैसे आप दो ग्रुप्स में बैठे हुए हैं ऑलरेडी। इसमें एक ग्रुप होगा मज़ा का और एक ग्रुप होगा सज़ा का। मज़ा यानी वो कौन से कारण है जिसकी वजह से युवा या कोई भी व्यक्ति नशे की आदत को शुरू करते हैं, और सज़ा वो सारे परिणाम जो कि नुकसानदेह है। नशे की वजह से जो परिणाम होता है, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, यहाँ तक कि क्राइम और आर्थिक रूप से भी परेशानियाँ होती हैं। तो इन्हीं सारे कारणों को और परिणामों को हम इस गतिविधि द्वारा समझेंगे। तो हम शुरू करें मज़ा और सज़ा। इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ऑलरेडी दो ग्रुपों में बट चुके हैं, एक मज़ा ग्रुप है और एक सज़ा ग्रुप है। अब हम दोनों ग्रुप को अलग अलग रंगों के पर्चियाँ देंगे, एक एक पर्ची, एक से अधिक भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको मिल सकती है, ठीक है। जो आपको पर्ची मिले आपको उसमें आपको लिखना है कि लोग नशा क्यों करना शुरू करते हैं, कारण क्या है, और आपको लिखना है कि नशा करने की वजह से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। नशे में आप सिगरेट जोड़ सकते हैं, शराब जोड़ सकते हैं और अन्य टाइप के नशीले पदार्थ जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं, हार्ड ड्रग्स, उनके बारे में आप जितना भी आपको जानकारी मिली है पहले या आपने कभी पढ़ा हो, कुछ फिल्में देखी हों, वो सारी चीज़ों को जोड़ते हुए आप अपनी पर्चियों को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक पर्ची देना शुरू करती हूँ। आप जैसे कि जानते हैं इस पर्ची के एक तरफ पे गोंद लगी हुई है, उसको आप ऊपर की तरफ रखेंगे और आप अपने तरफ बिना गोंद वाली पर्ची साइड अपने तरफ होगा, क्योंकि ये जो गोंद लगी हुई है उसको हमने जाकर वहाँ लगाना पड़ेगा। तो मैं अब चाहूँगी 5 मिनट के अंदर आप एक या एक से अधिक कारण और परिणाम अपनी पर्चियों में लिख लें। इसके बाद हमने यहाँ एक चार्ट पेपर लगा रखा है जिसमें हमने दो हिस्से कर दिए हैं, एक सज़ा का और एक मज़ा का। अपनी अपनी पर्चियाँ हम एक एक आकर के इसमें लगाएंगे। Thank you.
मुआवजा एंड सज़ा ग्रुप, क्या आपने अपना काम ख़त्म किया? क्या अब हम रेडी हैं कि अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करें? मैं चाहूँगी कि एक बारी मज़ा से एक व्यक्ति आए, अपनी बातें कहें यहाँ खड़े होकर के, और फिर अपनी चिट को वहाँ पर जा कर के मज़ा वाले कॉलम में लगा दें। उसके बाद सज़ा आए, तो एक बारी मज़ा और एक बारी सज़ा, इस तरह से चिट्स वहाँ पे। पहले हम यहाँ पे खड़े होकर बोलेंगे, सबके सामने बांटेंगे, और कोशिश करें कि हम संक्षेप में बोलें, बहुत ज़्यादा डिटेल ना बोलें, ठीक है? अगर हम में से किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, तब वो सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कोशिश करें कि संक्षेप में अपनी बात को रख के, अपनी चिट को वहाँ रख के फिर अपनी जगह पर बैठ जाएं। क्या हम रेडी हैं? तो मैं इनवाइट करूँगी मज़ा ग्रुप से, सबसे पहले आएँ, अपनी बातें बताएँ सबके सामने। मैंने मज़ा के लिए लिखा है आकर्षित होकर, मतलब नशा करना, मतलब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको देख के हमारे मन में मतलब आकर्षित होता है कि हमें कैसे ये चीज़ करनी है, उसको देख के भी हम लोग करते हैं। सेकंड पॉइंट है अकेलेपन से, जब हमारे घर में कोई हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, या हमारे फ्रेंड्स नहीं होता है, या कहीं भी हम लोनली फील करते हैं, तो हम उस अकेलेपन से दूर होने के लिए भी नशा करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। एक आसानी से मिलने पर ऐसी चीज़ें हमें आसानी से दुकानों पर या कहीं भी मिल जाती है, जिस वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नशा कर रहे हैं। सज़ा से आए आप? मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है नशे की लत से एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे मौत हो जाती है। मान लीजिए परिवार में एक ही व्यक्ति है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो परिवार की हालत भी नाजुक हो जाती है, और एक नशा मौत की एक बहुत बड़ी वजह है एक्सीडेंट जो। बहुत बढ़िया। मेरा पहला पॉइंट है एक दूसरे की संगत में आकर, किसी भी चीज़ का या किसी भी नशे को हम जब आगे बढ़ाते हैं जब किसी की संगत में होते हैं, तो संगत में आकर सबसे पहले नशा ज़्यादातर बढ़ता है। दूसरा कारण है किसी भी तरह का दुख का कारण, अगर हमें किसी भी प्रकार का दुख होता है तो हम उसे भूलने के लिए नशे का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। नशे की आदत से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को होता है, जिस नशा लेने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें अंदर से लग जाती हैं, और वो बाद में हमें बाहरी रूप से भी दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि किडनी खराब हो जाती है अंदर, और वो बाद में हम खाना पीना भूल जाते हैं नशे की लत में। और दूसरा पॉइंट है नशे की लत से हम सबसे ज़्यादा अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, हमारा जो परिवार होता है उसके बारे में हम सोचना समझना भूल जाते हैं और नशे में ही रहते हैं। और दूसरा अपनी पढ़ाई से, और या हम कोई काम कर रहे हैं हम उससे भी दूर हो जाते हैं, नशे की जो लत है वो हमें हमारे परिवार से टोटली दूर कर देती है। बहुत बढ़िया। मेरा पॉइंट है जिज्ञासा, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी को देख के हमें जिज्ञासा होती है कि इसे हम भी करें, इससे क्या हमें वो होता है फ़ायदा या नुकसान, ऐसा क्या मज़ा मिल रहा है इनको ऐसा करने में, तो इसलिए जिज्ञासा होती है बच्चों में ज़्यादातर, ये चीज़ जिज्ञासा होती है कि हम ये ट्राई करते हैं एक बार। बहुत बढ़िया। मेरा पहला पॉइंट है समाज में इज्जत ना होना, जो इंसान नशा करता है उसको समाज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अच्छे से बात भी नहीं करेगा, चाहे वो बड़ा हो, परिवार में बड़ा भी हो, अगर वो नशा कर रहा तो उसकी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। और मेरा दूसरा पॉइंट है शारीरिक बीमारी, इस नशा लेने से बहुत सी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं, जैसे फेफड़े वगैरह ख़राब हो जाना। परिवार में अगर आर्थिक दिक्कत है, अगर जो लोग नशा लेते हैं, क्योंकि एक तो वैसी परेशानी है, ऊपर से उसका इलाज वगैरह करवाने में बहुत सी आर्थिक परेशानियाँ हो जाती हैं परिवार में। बहुत बढ़िया। जो इन्होंने पारिवारिक बात बताई कि आस पड़ोस के लोग भी आपको बहुत ही नीची नज़र से देखने लगते हैं, कई बार होता है कि आप अपने बच्चों को भी कह देते हैं उस परिवार के बच्चों के साथ मत खेलिए क्योंकि वो लोग नशा करते हैं, आपके साथ भी आप भी शायद ये करने लगेंगे, या कभी रिश्ता वगैरह जब हम अपने बच्चों का करने जाते हैं तो इस परिवार से नहीं जुड़ना चाहते। गलत संगत के कारण लोग नशा करते हैं, जैसे एक दूसरे के गलत लोगों में बैठ गए, बोले तू नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा, मतलब इसलिए, और एक प्यार में धोखा खाने पर लोग नशा करते हैं। बहुत एक नया पॉइंट निकाला है, वेरी गुड, प्यार में धोखा खाने के वजह। सजा के परिणाम, नशे की वजह से कई बार बीवी को कई परेशानी उठानी पड़ती है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, कई बार बीवी से मारपीट तब बच्चों से नफरत करने लगते हैं। अगर नशे के लिए पैसों का इंतजाम नहीं होता है तो पत्नी के जेवर व अपने मकान के कागज तक गिरवी रख देते हैं। शराबी अपने पत्नी को पैसों के लिए ज़बरदस्ती करते हैं और बीवी पर आरोप भी लगाते हैं, जिससे बच्चों को माँ बाप से अलग होना पड़ता है। बहुत बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही। अब हम इस गतिविधि को समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले कुछ जो हमने सीखा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। हम आप लोगों ने मज़ा वाले टीम में बहुत सारे कारण
दिखाएं, हमें बताएं, जैसे कि जिज्ञासा से शुरू होती है या बहुत आसानी से मिल जाने की वजह से ये चीज़ शुरू होती है। खुशी में भी लोग नशा करते हैं तो गम में भी, एक ही चीज़ के कई परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा शारीरिक रूप से परेशानी है, घर में कलेश है, बच्चों की शिक्षा छूट जाती है, कई बार महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं, साथ साथ परिवार को बहिष्कृत कर दिया जाता है, कलंकित कर दिया जाता है, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, और वे व्यक्ति जो है जो नशे में ग्रस्त हो गया है वो अपने आप को भी दूसरों से काट लेता है और दूसरे भी उसको अपने ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, कोई उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो इस तरह से कई जगह मानसिक परेशानियां भी हो जाती है, कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि नशा कोई भी हो, चाहे सिगरेट का हो, शराब का हो या ड्रग्स का हो, उससे परिवार में परेशानियाँ हैं, उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से भी परेशानियां आती हैं, साथ साथ में समाज में भी उसको एक गलत नज़र से ये देखा जाता है, कोई उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। आर्थिक रूप से भी तंगी हो जाती है, जैसे हमारी इस बहन ने बताया कि पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं और घर चलाने को भी पैसा नहीं। हमने कई जगह पर ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वहाँ पर औरत कई बार भीख मांगने पर, जो बहुत अच्छी शिक्षित औरत है या कभी उसने काम नहीं किया बाहर जाकर के, उसे शायद अब काम करने के लिए निकलना पड़ रहा है, और जो शिक्षित नहीं है उसे कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है, और अगर वो काम करने की स्थिति में नहीं है और घर में नशे की हालत में कोई है तो हो सकता है कि पैसे जुटाने के लिए वो भीख मांगने लगे और कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने आप को बेचने के लिए भी मजबूर हो जाती है। तो इस गतिविधि को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, और अपने लिए एक ताली बजाएं।